सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर बीते दिनों कई तरह की खबरें आ रही थी। उनके फैंस से लेकर हर देशवासी उनके ठीक होने की कामना कर रहा था। दरअसल आपको बता दें कि अमिताभ करीब 4 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे, लेकिन अमिताभ बच्चन को देर रात अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर सुनकर फैंस उनके लिए दुआ करने लगे। अमिताभ के साथ जया बच्चन और अभिषेक बच्चन भी उनके साथ नजर आए। तीनों साथ में कार में बैठे दिखे। 77 साल के अमिताभ को मंगलवार तड़के 3 बजे नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खबरों की माने तो अमिताभ की तबीयत से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। नानावटी अस्पताल में अमिताभ का इलाज शुरू हुआ, लेकिन मामला लिवर का नहीं बल्कि आंतों में आई दिक्कत का है। हालांकि इस बारे में किसी ने भी आधिकारिक रूप से बताने से इनकार कर दिया। अस्पताल में भर्ती होने की खबरों के बीच अमिताभ बच्चन का ब्लॉग भी सामने आया। इस ब्लॉग में उन्होंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर बात की। उन्होंने लिखा है कि दर्द से थोड़ा आराम मिला तो दुनिया अचानक बेहद खूबसूरत लगने लगी। आज दुनिया एक चमत्कार सूरज की तरह चमक रही है। बहुत शांति है, यहाँ देखभाल के बेहद अच्छे इंतजाम है। बिग बी ने आगे ये भी लिखा कि उनका ज्यादातर समय काम में बीतता है, इसलिए वो ये उगता हुआ और चमकदार सूरज देख नहीं पाते। कभी घर में, कभी कार में, कभी वैन में, तो कभी स्टूडियो में बीतता है समय। हालांकि अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्मों के व्यस्तम कलाकारों में से एक हैं। उनकी आने वाली फिल्में गुलाबो सिताबो, झुंड और चेहरे हैं। तीनों ही फिल्मों की शूटिंग पूरी हो चुकी है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ वो मच अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र में भी हैं। इस फिल्म का कुछ हिस्सा अगले महीने नवंबर में शूट किया जाएगा। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।